यस दिखाने लगी हूँ कि मैं पीती हूँ रोज़ कॉफ़ी जो कि आसान कर लेते हैं हाईजैक। ये नेस्कैफे की जो कोल्ड वाली होती है इसमें से आपको ठंडा मिल्क ऐड करना पड़ता है। नेस्कैफे जो स्पॉन्सर नहीं पता है, जितनी ज़्यादा मुझे पसंद है ना, बट अगर आपने नहीं पी है दैन यू आर मिसिंग आउट बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली यम। मेरा फेवरेट फ्लेवर है ये वनीला वेफर वाला। और इसके अलावा आई ऑल्सो लाइक सॉल्टेड कैरमल जो कि मुझे इनिशियली अच्छा नहीं लगा था। नवाल का फेवरेट भी है, नवाल तो पीती नहीं है बट नवाल का फेवरेट है ये वाला। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने प्रेमा लेकर आना था अपनी कॉफ़ी के लिए बट अभी हमारे पास ये मिल्क पैक है तो हम ये यूज़ करेंगे। क्या हुआ जी? आ जाओ, कहाँ आ जाओ? आई लव यू, आई लव यू। सो क्यूट है। इसमें एक मिल्क पैक आप ऐड करते हैं, बेसिकली 350 ml है। पूरी रेसिपी बता दिया मैंने, मानू रही उठा लो। एंड देन मिक्स मिक्स मिक्स। कौन सा स्पीकर? मुझे कौन सा स्पीकर आया है यार? आपका बेटा जो है ना मुझे ब्लॉग नहीं करने दे रहा। लो हो गया कल गेट। बस मैं कॉफी पी के बाकी यार आसान करा दूँ। मेरी सारी कॉफी पी ली मैंने, आपको दे दिया। अच्छा बनने तो दो, इनको देख लें भाई, ये लें, इनको देख लें। आहर आर यू स्लीपी? हाँ देन बाबा गाना एक्टिंग करें सोनी। आज हजरा आज आपने क्या किए? ये देखे मजा आ रहे कपड़े गीले आ गया क्लास में। सो अभी हो रहे हैं 2:47 और व्लॉग अपलोड हो रहा है। उफ बहुत क्या 2:47 सॉरी 12:47 और व्लॉग बहुत पहले अपलोड हो जाना चाहिए था जो कल वाला है बट कुछ प्रॉब्लम हो गई। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैंने स्टोरी अपलोड की थी और मेरा दिल कह रहा था रोमन खाने का बट रोमेंट हमारे घर में नहीं पड़ी थी, ख़त्म हो गई थी। सूप वाली थी बट आई वॉन्टेड द स्पाइसी वन। सो नवाल ने मुझे जो सूप वाले नूडल्स होते हैं वो बना के दे दिए ताकि कंपनसेट हो सके इससे। निहारी है नहीं? और ये क्या आंटी? कद्दू, कद्दू चिकन। और आंटी का चिकन? अब देखने को भी दिल नहीं चाहता। सब लोग कह रहे हैं आपकी सास बहुत क्यूट है, आपके बहुत फैन हो रहे हैं। वो कैसे? बस सब लोग आपको दुआएं देने कह रहे हैं, आपकी सास बहुत क्यूट है। कुछ रिप्लाई करें? बहुत शुक्रिया उनका। मैं खाने लगी हूँ आलू का पराठा। आंटी टिशू दीजिएगा, टिशू टिशू ऊपर से कर लूँ बस। ठीक है, अरे आसान आ रहे हैं। आलू खा रही हूँ। ऐसा करो ना, रोमन से रोजा रखा करो आप लोग।
थी 12 बजे रामेन नहीं खाना चाहती थी, लेकिन मैंने फिर नूडल्स ना के खा ली, नवाल ने मैगी खाई और मैंने फ्रूट खाए। कुछ मेडिसिन लेनी थी वो ले रही हूँ कि रोज़ा बस उसमें बंद होने वाला है, और पानी पी रही हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट आई वुड कम हियर एंड टॉक अ लिटिल अबाउट आई डोंट नो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस, क्योंकि मैं वजू करके आई थी इसीलिए मुझे एकदम से ख्याल आया, क्योंकि आई एम समबडी जिसने आई नो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू जज मी, बट ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में है। बट एंड ऑल्सो आई नो कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि शायद मेरे से रिलेट कर सकते होंगे, और हम सब जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छा इंसान एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए। मैंने जो पहला रोज़ा है वो लिटरली बगैर किसी नमाज़ पढ़े गुजारा था। कल दूसरे रोज़े से मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू किया एंड आई जस्ट वॉन्ट कि इस दफ़ा मैं रमज़ान में इतनी आदत बना लूँ, इतनी पक्की आदत बना नमाज़ पढ़ने की कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो मुझे बिल्कुल ना ऐसे लगे कि ओह नमाज़ पढ़नी है, मतलब वो एक रूटीन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल नमाज की उसमें वो नहीं हूँ। एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लाइक मी जो कि बहुत स्ट्रगल करता है ऐसे, तो दिस इज़ लाइक योर साइन, यू नो अल्लाह से माफ़ी मांगें और दुआ करें कि आप यू नो अल्लाह आपको उनसे मिलने का और ये नो ऐसे ये मौका दे। और आई थिंक इसमें नो आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज हसन इज़ नॉट लाइक मी, हसन रमज़ान के अलावा भी बाकायदगी से सारी नमाज़ें पढ़ते हैं। एंड मैं अगर भूल भी जाती हूँ ना, क्योंकि मैं मुझे तभी अल्लाह और नमाज याद आती है जब मैं किसी मुश्किल वक्त में होती हूँ या मैं बहुत स्ट्रगल कर रही होती हूँ, मैं एनजाइटी होती है या ये सब कुछ, तभी मुझे अल्लाह याद आते हैं। और हसन की वजह से मेरे आसपास हमेशा एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर होता है दैट आई हैव टू प्रे। सो यस, इसमें आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो अगर आप सारी यू नो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ कोई नहीं पढ़ते, सो दिस इज़ साइन फॉर यू कि आप उनको उठ के पढ़ाएं। क्योंकि मुझे याद है परसों मैंने हसन को बोला था, जब पहला रोज़ा गुजर गया मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो मैंने हसन को बोला कि हसन आप प्लीज़ आपने मुझे ज़बरदस्ती, मैं सो भी नहीं हूँ, आपने ज़बरदस्ती उठाना है और आपने लिटरली मुझे मारना है, मतलब नॉट लाइक मारना मारना है, बट आपने मुझे मारना है कि आप उठें और नमाज पढ़ें। सो यस, इट्स लाइक मेरी छोटी सी टॉक, छोटी सी दिल की बात, पानी पी लो, ये ना हो कि रोज़ा बंद हो जाओ आपने कोई बातें कर दी। सो यस, आई थॉट दैट आई वुड कम एंड शेयर दिस विद यू, बिकॉज मैं अपनी लाइफ का हर अच्छा बुरा एस्पेक्ट जो होता है मेरे अंदर, बुराइयाँ अच्छाइयाँ तो कम ही है, बट जो भी है मैं सब यहाँ पर आके शेयर करती हूँ, बिकॉज आई नो यू गाइज वॉच मी, मेजोरिटी ऑफ यू गाइज वॉच मी बिकॉज यू कैन रिलेट टू मी। सो यस, दैट्स इट, और मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें, बाकी चीज़ों के लिए अच्छी ज़िंदगी के लिए बात की अच्छी ज़िंदगी के लिए वो तो करें, बट ये भी प्लीज़ दुआ करें कि जो भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जो भी मैं यू नो अपनी ये रमज़ान बस मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो, ये मैं चाहती हूँ। सो या चाहते हो आंटी मुझे कुछ दवाई देते हैं, अभी सारा दिन सोई भी होना स्टेबल सो रहा, खाओ कुछ, बहुत बुरी हालत है। रोजा खोल रहे हो, क्या टाइम है? सात छः साढ़े छः पाने सात। ठीक है यार, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आवाज़ से ही पता लगा होगा। आज हमें यही जाना था अफ्तारी पर, हमें तबीयत खराब हो गई है, हम नहीं जा सके, सारा दिन सोई रही हूँ, सान है टुका मल्ली, सान है टुका मल्ली, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी थी, मैं लिटरली बेहोश हुई हुई थी। आई थिंक मैंने तीन दफ़ा कब आए हैं, दो दफ़ा शायद उठ गई हूँ, फिर वापस मिल गया तीन साढ़े मेरे बाद यार।
आई थिंक मुझे इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि मैंने मेडिसिन छोड़ी है, बट ऐसे होना नहीं चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी थी और वो मुझे प्रिस्क्राइब थी फॉर 15 डेज। मैंने 10 डेज के बाद अब छोड़ दी है बिकॉज मेरी बस हो गई है। मैंने 625 mg 2 टाइम्स दे दी थी दिन में, विच वॉज अ लॉट। नाउ माई टमी हर्ट्स एंड आई फील सो लेथार्जिक। आई एम लाइक अभी ये कैमरा ऑन किया है तो मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। नहीं बहुत वो है, इससे शाम को मुझे उठाने में फिर आहत को दही वगैरह देने लग गया, उसमें टाइम लग गया। तो हम अभी आए हैं 7:05 हो गए। अभी जैसे जैसे आई होप सो। आई डोंट वांट फॉर तीसरे व्लॉग में मेरी ये हालत हो जाए। आज का व्लॉग इतना खुश होगा, सॉरी गाइस। मुझे अपलोड करना था यहाँ अभी, इस तारीख के बाद मैं ख़त्म कर देती हूँ अपना। तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बहुत वीक है, इससे बहुत अथॉरिटी फील कर रही है। दवाई छोड़ी है कल, अपनी कोई पूरी दे देने का मुझे जान आ जाए। सारा दिन गिरी रही हूँ, खाना खिला के फिर मैं गिर गई हूँ। और थोड़ा सा पेट भी ऐसे दुख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पे क्या होता है? इस टेबल पे हर टाइम क्योंकि कुछ ना कुछ होता है इसीलिए, और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा किचन 2 साल से बन रहा है, लिटरली 2 साल से, और कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ओह, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ये ड्रॉर्स खाली कर रही हूँ ताकि जो ब्लू पे पड़ा होता है लाइक मेरे कॉफ़ी पीने का सामान और सारा कुछ, थोड़ा किचन टाइप, मेरे कप्स मग्स, क्योंकि जब वो नीचे जाते हैं तो टूट जाते हैं। सो आई जस्ट कीप देम हियर। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें रख दी है लाइक मेरे कॉफ़ी स्ट्रॉज एंड एवरीथिंग। और अभी हम गंद वगैरह क्लियर करने लगे हैं। हनाहत और आहत ये स्टैंड से खेल रहा है, इसमें इसका बहुत बुरा हाथ आएगा मुझे लग रहा है ना। आहत, आहत ने आज नहाया है क्योंकि मामा की तबीयत नहीं ठीक थी, बाबा ने नहीं लाया आहत को, बाबा और पुप्पो ने, है ना। तो अभी हसान भी अंदर सो रहे हैं लाइक इज टेकिंग पावर नैप, लाइक बस 10-15 मिनट में और थोड़ा सा लेट जाऊँ देन आई वुड फील बेटर। तो आई थिंक दैट आई वुड बी एंडिंग दिस व्लॉग हियर बिकॉज मुझे एडिट भी करना है और अपलोड करने में बहुत टाइम लग रहा है आजकल। आई एम रियली सॉरी अगर ये व्लॉग बहुत ही स्लो और ऐसा हो, बट डेली व्लॉगिंग में ऐसे ही होता है। यू एक्चुअली गेट टू सी के हर दिन जो है वो इतना एक्साइटिंग और फुल ऑफ एनर्जी नहीं होता। दे आर बैड डेज, दे आर गुड डेज, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ इट। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, डू कीप सपोर्टिंग मी एंड बहुत सारी दुआएँ करें कि मेरे में कल बहुत एनर्जी हो ताकि कल मैं कपड़े भी चेंज करूँ, सुबह से मैं नाइट सूट में हूँ और मैं नहाऊँ और यू नो आई फील फ्रेश एंड आई फील गुड एंड आई फील एंड आई विश द सेम फॉर यू ऑल कि आपका यू नो बाकी जितना भी रमज़ान है, बाकी भी जितने भी दिन हैं वो बहुत अच्छे और फुल एनर्जी के साथ जाएँ। सो दैट्स इट, आई बी एंडिंग माई व्लॉग नंबर 3 हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ मी फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अल्लाह हाफिज़।